इजी नौकरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2018 जिसका क्रैश कोर्स का चौथा भाग लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कि बर्फ जो गलने की जो प्रक्रिया सारण प्रक्रिया या हवा में जो प्रक्रिया होती है वो अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। तो इस कारण जो बर्फ जो गलनांक है वो घट जाता है और जो आपस में जो टुकड़े हैं बर्फ के जो टुकड़े हैं वो आपस में चिपकने लगते हैं। मोटर कार में शीतलंक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, ये केवल संवहन पर कार्य करता है, यानी कि शीतलंक तंत्र वो होता है जो मोटर कार जो है उसका इंजन को जो है ठंडा करने का कार्य करता है। जीवन प्रणालियों के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों को अमीनो एसिड्स में विघटन की जो प्रक्रिया है वो एक तरह की पाचन प्रक्रिया से जुड़ी है, क्योंकि प्रोटीनों के ट्रिप्सिन, रेनिन और एमाइलेज, अमेज, ये सब प्रोटीन हो गए, और इनके अगर अमीनो एसिड्स में विघटन होगा तो एक प्रकार के डाइजेशन मनुष्य में होने वाली डाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आएंगी? एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्स या लघु रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। जो टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है उसके थ्रू ही टेलीविजन पर प्रसारण संभव होता है, और ये कार्य केवल होता है रेडियो लघु तरंगों से। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि टेलीविजन चलाते समय हमें पहले आवाज सुनाई देगी या चित्र दिखाई देगा, तो लघु तो रेडियो तरंगों में खास बात ये होती है पहले आवाज को लाती है, बाद में चित्रों का प्रकाशन होता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह? तो वो बृहस्पति ग्रह है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो वो ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन जो है मदद करता है प्रोटीन के पाचन के लिए। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र तो होने से थकान या मांसपेशियों में दर्द होता है? तो ये होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ये सामान्य तरह क्वेश्चन है और ज्यादातर परीक्षाओं में आता भी है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष द्वारा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष होता है, यह दूरी का मात्रक होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? तो दोस्तों फैदोमीटर का यूज किया जाता है। ज्यादातर जो तेल खोजने वाली जो कंपनियां हैं वो इसका यूज करती हैं कि कहाँ पेट्रोलियम समुद्र में उपस्थित होने मिलेगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु को फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया दोस्तों इन्फिनिटी छाया बनेगी, जिसका कोई भी अंतिम बिंदु हमें दिखाई नहीं देगा। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है, तो वो बनाती है जिंक। जिंक अगर हम अम्ल से भी क्रिया करते हैं, जैसे अम्ल कौन से होते हैं? HCl, HNO3, ये सब अम्ल है। अगर हम क्षार की बात करें तो NaOH, KOH ये क्षार है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेवनर्स ने जीव विज्ञान शब्द या बायोलॉजी का प्रयोग किया था। कार्यक्रम मात्रक क्या है? तो कार्यक्रम मात्रक को हम जूल कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मात्रक भी पूछ सकते हैं। तो आप फॉर्मूले से W इज टू Fn2r, F का हो गया न्यूटन और R का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी या डिस्टेंस का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की जो यूनिट है वो दूरी है। एक ही प्रकाश प्रकार के परमाणुओं में परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो कहलाता है तत्व। दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो कहलाता है यौगिक। यानी कि अगर दो में दो चीजें एक साथ मिलाई जाएं और एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाएं तो वहां पर जो भी हमें तत्व मिलेगा या पदार्थ मिलेगा वो हम उसे यौगिक के नाम से जानेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉफ्रर इफेक्ट। ये 12th क्लास में चैप्टर होता है, 10th या 12th में चैप्टर होता है, 12th डॉफ्रर इफेक्ट। तो ये ध्वनि स्रोत या श्रोता की जो आवृत्तियां हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, उनमें जो उतार चढ़ाव जो प्रक्रिया है वो डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अगले क्रैश कोर्स के साथ हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। हमारे चैनल से जो स्टूडेंट नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब के आइकॉन और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें, तभी हमारी उनको वीडियो मिल सकेंगी। थैंक यू वेरी मच।